कि आप लोग देख पा रहे हैं ये वो जगह है जहाँ से नर्मदा नदी निकली हुई है। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के वीडियो में जो है हम लोग एक ब्लॉग शूट करने वाले हैं, एक छोटा सा ब्लॉग होने वाला है ये अमरकंटक का। दोस्तों हम लोग अमरकंटक जा रहे हैं। अमरकंटक जो है अपना अनूपपुर ज़िले में पड़ता है। अमरकंटक जैसा कि आप लोगों ने नदी का नाम सुना होगा, नर्मदा नदी। दोस्तों ये जो नर्मदा नदी है ये भारत की 5वीं नंबर की सबसे बड़ी नदी है, जो कि अपना जहाँ से इनका उद्गम स्थल है यानी कि निकली हुई है, तो वो है दोस्तों अपना अमरकंटक से। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग जो है अब थोड़े ही देर में अमरकंटक पहुंचने वाले हैं। अमरकंटक पहुंच के जो है हम लोग आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे। दोस्तों हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक अमरकंटक का सीन नहीं देखा है तो हम लोग आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि कहाँ से नर्मदा नदी निकली हुई है। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये है पहाड़ियाँ, ये है घाटी दोस्तों, और बड़े बड़े पेड़ जो हैं यहाँ लगे हुए हैं। ये जो है अमरकंटक का एक बहुत ही सुनहरा नज़ारा है। यहाँ से अमरकंटक जो है मात्र 12 किलोमीटर है। जैसा कि आप लोग ये पेड़ देख सकते हैं ये बहुत ही लंबे लंबे और सीधे सीधे हैं। हमें पता तो नहीं है किस चीज़ के हैं, बट बहुत अच्छे लगते हैं ये पेड़। तो दोस्तों आपको बता दें कि हम लोग जो है अब अमरकंटक पहुँच चुके हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं मेरे पीछे ये गेट लगा हुआ है, यहाँ से जो है अमरकंटक स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर जो है ऐसे दिख रहे हैं जो पेड़ पौधे, ये बहुत ही बड़े बड़े पेड़ हैं और बहुत ही फेमस हैं। बट सॉरी मुझे मालूम नहीं कि इनका नाम क्या है, ठीक है, मुझे नहीं पता है कि ये पेड़ क्या है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये हमारे सारे दोस्त हैं, हम लोग दोस्तों के साथ जो है घूमेंगे, इंजॉय करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे वो सारी चीज़ें जो यहाँ पर फेमस है। दोस्तों आपको बता दूं फिर से कि नर्मदा नदी जो है अपना भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, बहुत ही फेमस नदी है। जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं इस टाइप के पेड़ जो हैं लगे हुए हैं, बड़े बड़े बहुत ही लॉन्ग पेड़ जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा। ये पेड़ों की खासियत है ये जो है मुझे, मेरे मन को भी भाती है। यहाँ पर कर जो है काफ़ी कवियों ने अपनी कविताएँ लिखी हैं। बहुत ही फेमस जगह है दोस्तों। जैसा कि आप लोग को मैं थोड़ा सा अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, बहुत हो गया काफ़ी टाइम, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये मेरे नाम का ही बंदा है, सुनील भारती, मतलब सुनील चौधरी नाम है क्या? मेरा नाम है सुनील भारती और ये है हमारे थोड़ा हीरो इंसान। आपका नाम बता दो थोड़ा सा। मेरा नाम अमरीश पटेल है। हाँ अमरीश पटेल, अमरीश पुरी। और ये हमारे हीरो कैमरामैन, कैमरामैन कैमरा दिखा दो थोड़ा सा जरा अपना। हाँ ये है हमारा कैमरामैन और ये है हमारे खास ग्रेट इंसान दीपक जी। दीपक समुद्रे नाम है इनका, बहुत फेमस नाम है वैसे, अच्छा नाम है, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग घूमना शुरू करते हैं। अमरकंटक आने के बाद जो है आप लोगों को ये चौराहा मिलेगा, यहाँ से अगर आप लोगों को कपिल धारा जाना है तो कपिल धारा जो है इधर साइड में है। जैसा कि आप लोग देख सकते होंगे ये कपिल धारा की रास्ता है, हम लोग कपिल धारा जाने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोगों को सारे वो सीन दिखाएंगे जो यहाँ पर बहुत ही फेमस सीन है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ से हम लोग कपिल धारा की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आप लोग यहाँ पर आएंगे ना तो आप लोगों को दिखेगा ये फेमस प्लेस। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पब्लिक है यहाँ पर। नदी हमेशा ही छोटी होती है बट आगे चल के कई नदियों का पानी मिल जाने के कारण जो है वो बड़ी हो जाती है। और ये आप लोग देख पा रहे हैं ये इसको दुग्धारा और कपिल धारा दोनों कहते हैं। और अब हम लोग जो है नीचे साइड की ओर बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे, फुल इंजॉय चल रहा है यहाँ पर। ये छोटे छोटे बंदर पा रहे हैं कि अब हम लोग जो है यहाँ दूधधारा पहुँच चुके हैं। दूधधारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो पानी है ऊपर से गिरता है और दूध की तरह वाइट दिखता है, इसलिए जो है इसको हम दूधधारा कहते हैं। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, खैर मुझे ज़्यादा नहीं समझता है, ठीक है। भैया क्या नींबू पानी बस मिलेगा क्या अपने पास? लिबर्टी? अरे चाचा लिबर्टी, अरे क्या बात, बनाओ यार एक आध चाय वाय सॉफ्ट बनाओ जरा, थोड़ा सा पीते हैं, जरा थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। हाँ तो आइए दोस्तों हम लोग देख पा रहे हैं कि ये वो जगह है जिसको दूध धारा कहते हैं। भैया
जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अब जो है हम लोग मंदिर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, मंदिर की तरफ जो है हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं। यहाँ पर जो है संगमरमर का मंदिर बना हुआ है, तो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा और पूरा मंदिर हम लोग घूमेंगे। अगर आप लोग आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस टाइप से मंदिर बना हुआ जो है। हम लोग थोड़ा सा प्रसाद ले लेते हैं और प्रसाद लेने के बाद जो है मंदिर की तरफ घूमेंगे। संगमरमर का मंदिर है। कितने का दे रहे हैं आंटी आप प्रसाद? 50 रुपये जी। एक कम नहीं कि आप लोग देख पा रहे हैं ये मंदिर की तरफ जो है हम लोग पहुँच चुके हैं। नर्मदा मंदिर कहते हैं इसे, यहीं से नर्मदा जी का जो है उद्गम स्थल है। हमें आप लोगों को दिखाऊंगा कि कहाँ से नर्मदा नदी निकली हुई है। अभी आप लोग हमारे साथ बने रहिए, हम लोग जो है मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे करके जो है हम लोग अंदर की तरफ जाएंगे। और दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं काफ़ी मात्रा में भीड़ है यहाँ पर, काफ़ी पब्लिक जो है आई हुई है। ये देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है कई सारे मंदिर बने हुए हैं, एक के बाद एक जो है मंदिर बने हुए हैं। देख रहे हैं ये वो जगह है जहाँ कहते हैं कि अगर जिसने पाप किया है वो यहाँ से निकल नहीं पाता है, और पुण्य किया है आपने, अच्छा काम किया है तो आप निकल जाते हैं। वैसे अधिकतर लोग यहाँ से निकल ही जाते हैं। आपको बता दें कि कोई फंसता वगैरह नहीं है जहाँ तक हम लोगों ने देखा। देख सकते हैं आप कि कितनी मात्रा में पब्लिक है जो यहाँ पर देख रही है। और देख सकते हैं एक दादाजी निकलने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए वो भी निकल जाएंगे। वैसे आपको बता दें कि ऐसे कोई दिक्कत होता नहीं है यहाँ पर। और काफ़ी लोग जो हैं उसमें रस्सी में एक चुंबक बांध के और सिक्के को निकालने की कोशिश करते हैं। ऐसा काफ़ी लोग ने किया है और काफ़ी लोग, काफ़ी जगह आपने भी देखा होगा। अगर आपने दर्शनीय स्थल घूमा है तो ज़रूर देखा होगा। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग उद्गम स्थल में पहुंच चुके हैं। यहीं से जो है नर्मदा नदी निकली हुई है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये वो जगह है जहां से नर्मदा नदी निकली हुई है। जहां पर भी नदी जो है निकली होती है वहां पर भगवान की मूर्ति, भगवान का नज़ारा जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये कुंड है, कुंड कहते हैं इसको। यहाँ काफ़ी पानी जमा हुआ है, यहीं से जो है पानी नीचे की तरफ जाता है और पहाड़ियों से होते हुए कई राज्यों में पहुँचता है। यहाँ देखते हैं, देखिए मम्मी वगैरह के लिए, सिस्टर वगैरह के लिए ले सकते हैं। चूड़ियाँ मैंने लिया भी है, ऐसा नहीं है, काफ़ी जगह से मैंने काफ़ी खरीदी भी करी है। थोड़ा सा ओल्ड मंदिर घूमने की कोशिश करते हैं। बहुत पुरानी जगह है यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, और पूरा ब्लॉग दिखाने वाले हैं हम आपको। और अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह, आप लोग देख सकते हैं पुराने पत्थर, पुरानी मूर्तियां रखी हुई है। मूर्ति तो खैर यहां पर बहुत कम देखने को मिलेगी, बट पुरानी चित्रकलाएं हैं जो कि बहुत ही फेमस हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये पीछे साइड से ऐसा दिखता है, और बहुत ही फेमस जगह है, बहुत ही फेमस मंदिर है। हाँ, और ये पुराने ज़माने का कुआं रहा जहाँ पर पानी है या नहीं हमें तो नहीं पता है, ना हम देखने जाएंगे वहाँ पर। कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, जैसा कि आप लोग पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो पॉज करके। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ 5 मंदिरों का समूह है, इसीलिए पंचमठा के नाम से जाना जाता है। चबूतरे पर स्थित इन मंदिरों पर चूने का मोटा प्लास्टर है। यह मंदिर 16वीं या 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में गोंड शासन काल में निर्मित हुआ है। गोंड शासन काल में जो है ये बना हुआ है, जो भी 15वीं या 16वीं शताब्दी होगी उस समय का बनाया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं, अब यहाँ से बाहर निकल रहे हैं हम लोग। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि ये मंदिर से अब हम लोग जो हैं मतलब उतरने की कोशिश कर रहे हैं सीढ़ियों से, और हम लोग उधर चलते हैं और एक दो प्लेस और बचा हुआ है, फटाफट घुमा के और फर्श से करके जो है हम लोग यहाँ से निकलेंगे। काफ़ी समय हो चुका है दोस्तों। अब हम लोग जो हैं थोड़ा सा खाना खाने जा रहे हैं। यहाँ पर भंडारा हो रहा है, और आपको बता दूँ कि अगर आपने भंडारा का खाना खाया है तो भंडारे के खाने से अच्छा कोई खाना नहीं होता, पता है, बहुत टेस्टी होता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये सब्जी है, पूड़ी है और हलवा है। हम लोग खाना खाने वाले हैं, खाना खाने के बाद जो है एक जैन मंदिर है यहाँ पर, जैन मंदिर घूमते हैं और फिर हम लोग चलेंगे आगे। आप लोग ये मंदिर दोस्तों बहुत सालों से बन रहा है, बहुत समय लगता है ये मंदिर को बनने में।
क्योंकि ये हजारों सालों तक जो है ये मंदिर ऐसा ही रहता है। चाहे मंदिर टूट जाए पर इनकी जो कलाकृतियाँ हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती है। आप लोग देख सकते हैं ये वो छोटे छोटे बड़े बड़े भगवान देवी देवता हैं, इनका काफ़ी फेमस स्थान है। बहुत बड़ा मंदिर है दोस्तों, ऐसा नहीं है, बहुत विशाल मंदिर है। तो बौद्ध भगवान नहीं सॉरी जैन भगवान का मंदिर है, बहुत गलती से निकल गया हमारे। ये पिछले 2 साल पहले भी सेम ऐसा ही था, 1 साल पहले भी ऐसा था और आज भी ऐसा है। ये मूर्तियाँ बहुत महंगी होती है क्योंकि ये मेटल्स की बनी होती है और बहुत सारे मेटल्स का यूज जो है इन मूर्तियों को बनाने में होता है। देख सकते हैं कि यह है पाचक चूरन, यहाँ का फेमस चीज़ें हैं। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर काफ़ी चीज़ें लिखी हुई है, पाचक चूरन वगैरह और कुछ कुछ नाम है दुकान में। यहाँ से इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कुछ पहचान होना चाहिए ना। तो फाइनली हम लोग का घूम के कम्प्लीट हो गया अमरकंटक का टूर, ठीक है। अब लास्ट टाइम हमारे सारे फ्रेंड लोग को देख लीजिए। हाय फ्रेंड्स, ये है बल्लू और ये हमारे बाकी के फ्रेंड पीछे हैं। और अगर ब्लॉग अच्छा लगा दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को बताएं कि ये अमरकंटक का प्लेस किस टाइप है और कैसा है और आप लोगों को देखने में कैसा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा और सुनहरा लगा है। वैसे मैं 2-3 बार आ चुका हूँ पर मैंने फर्स्ट टाइम ये ब्लॉग शूट किया है। ओके, सो थैंक यू।